नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सब। भोले की नगरी है काशी, हमारे मन में बहुत दिन से इच्छा थी तो हम सभी काशी पहुंच गए। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप बनारस कैसे आ सकते हैं, कैसे घूम सकते हैं। बनारस आने के लिए सबसे अच्छा साधन है रेलवे। यदि आप रेल से आना चाहें, बनारस चूंकि एक बड़ा शहर है तो ये देश के लगभग सभी शहरों से अच्छे से जुड़ा हुआ है। यदि आप बस से आना चाहते हैं तो लगभग सभी शहरों से यहाँ के लिए बसें उपलब्ध हैं, आप बस से भी आ सकते हैं। और यदि आप दूर दराज से आते हैं तो यहाँ का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट है, जो कि बनारस के बाबतपुर में स्थित है। सभी बड़े शहरों से यहाँ के लिए उड़ानें उपलब्ध हैं, आप बहुत ही कम समय में यहाँ पहुँच सकते हैं। बनारस, काशी या वाराणसी, कुछ भी कहें, इसके कई नाम हैं। अपने आप में अनूठा, सबको अपनी ओर खींचता, सबको और अपनी ओर आकर्षित करता हुआ एक शहर है। तो हम सब भी वहाँ पे गए। तो यात्रा के क्रम में सबसे पहले हम सब दशाश्वमेध घाट गए। दशाश्वमेध घाट बहुत ही सुंदर घाट बना हुआ है और इसी से सटा हुआ है काशी विश्वनाथ मंदिर। दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती विश्व प्रसिद्ध है। जब भी आप यहाँ पर आएँ तो ऐसा समय लेकर आएँ कि आप पहले नौकायन कर सकें और नौ की यात्रा खत्म करने के बाद आप वहाँ पर गंगा आरती देखें। गंगा आरती लगभग सूरज ढलने के बाद होती है और बहुत अच्छी होती है, तो आइएगा और गंगा आरती जरूर देखिएगा। इसी दशाश्वमेध घाट से लगा हुआ मंदिर है विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर, जो भोले का मंदिर है। ये मंदिर पहले तंग गलियों में था, लेकिन वर्तमान सरकार के प्रयासों से ये मंदिर का बहुत ही भव्य कॉरिडोर का निर्माण कराया गया है। अब यहाँ पर आने पर एक अलग ही अनुभूति होती है। तो बनारस की यात्रा काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के साथ ही शुरू होती है। इसके बाद अगले दिन आप सबसे पहले उठिए, बनारस की प्रसिद्ध गलियों में टहलिए और उसके बाद नाश्ता करके आप सब आ जाएं गौदोलिया चौराहे पर। गौदोलिया चौराहे से थोड़ा आगे टैक्सी स्टैंड है, जहाँ से आपको सारनाथ जाने के लिए ऑटो या बसें मिल जाएंगी। सारनाथ जाने के लिए अगर आप ऑटो बुक कराते हैं तो आपको महंगा पड़ेगा, आप फुटकर में जाइए, बहुत ही आसान है पहुँचना। सबसे पहले आपको पांडेपुर की ऑटो मिलेगी और पांडेपुर से फिर आपको सारनाथ की ऑटो मिल जाएगी। दोनों में पर पर्सन लगभग 40 रुपये में आप गौदोलिया से सारनाथ पहुँच जाएंगे। सारनाथ पहुँचने के बाद वहाँ पर कई आपको व्यक्ति घेर लेंगे, जो अपने आप को गाइड बताएंगे। आप एक गाइड कर लीजिए, मुश्किल से 50 रुपये लेगा और सारनाथ के सभी प्रसिद्ध स्थानों को दिखा भी देगा। करिएगा जरूर, बिना उसके आप सारनाथ में क्या है, वो किस लिए प्रसिद्ध है, आप नहीं जान पाएंगे। बौद्धों का एक प्रमुख स्थान है सारनाथ। यहाँ पर जितने भी बौद्ध धर्म को मानने वाले देश हैं, चाहे वो कंबोडिया हो, थाईलैंड हो, श्रीलंका हो, म्यांमार हो, इन सबके प्रमुख मंदिर यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। तो आप जब भी आएंगे यहाँ पर तो कुछ समय लेकर आइएगा, क्योंकि सारनाथ एक बड़ा स्थान है, तो यहाँ पर आने का मतलब है कि यहाँ पे आपको समय लगेगा। और सारनाथ में कम से कम आप 3 घंटे का समय लेकर आएंगे। सारनाथ में सबसे पहले जहाँ पर आपको लेकर जाएंगे गाइड महोदय, वहाँ की एंट्री फीस कुछ भी नहीं है। गाइड महोदय आपको सब कुछ बताएंगे। यदि आप सारनाथ के बारे में और विस्तृत रूप से जानना चाहते हैं तो हमारे पिछले वीडियो को जरूर देखिए। पूरे सारनाथ को 2 भागों में कवर किया गया है, तो आपको लगभग सब कुछ जानने वाली चीजें पता चल जाएंगी। गाइड महोदय हम लोगों को जैन मंदिर भी लेकर गए, जो सारनाथ में ही स्थित है। यहां पर भी आने वाला है और इसी जैन मंदिर से सटा हुआ धमेक स्तूप भी आपको दिखेगा। यहाँ पर आइए, इसको देखिए, समझिए और जैन मुनि के जीवन से शिक्षा भी लीजिए। यहां से निकलने के बाद जब आप धमेक स्तूप या मूलगंध कुटी विहार जाना चाहते हैं तो वहां पे आपको एंट्री टिकट लगेगा। एंट्री टिकट के लिए कोई काउंटर नहीं है,
वहाँ पे बारकोड्स बने हुए हैं, बस आपको अपने मोबाइल से स्कैन करना है। अमेज़न पे या गूगल लेंस से आप या पेटीएम से आप इसको पे कर सकते हैं और 20 रुपये का मामूली सा टिकट है। और अगर आप यहाँ का संग्रहालय भी देखना चाहें तो आप कंबाइंड टिकट मात्र 25 रुपये में मिल जाएगा। आप ले लीजिए और जाकर आराम से देखिए। काफ़ी बड़ा परिसर है, जगह जगह पर तात्कालीन, चाहे अशोक स्तंभ हो, चाहे मूलगंध कुटी विहार हो, चाहे धमेक स्तूप हो, आपको उनके अवशेष मिल जाएंगे। और चूंकि एक स्थान काफ़ी पुराना स्थान है, यहाँ पर प्राचीन चीज़ें आपको दिखेंगी, तो यहाँ पर बच्चों को सीखने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। आप जब भी आएँ तो कोशिश करें कि आपके बच्चे भी साथ में हों, वो भी अपना गौरवशाली अतीत देखें, वहाँ से जुड़ी चीज़ों को समझें जानें, और अगर आप एक गाइड कर लेंगे तो चीज़ें आपके लिए और आसान हो जाएंगी। तो आइएगा ज़रूर और इन सबको देखिए, समझिए, जानिए और बच्चों को भी साथ में लेकर आइए। हाँ, समय लेकर आइएगा क्योंकि ये सब में समय लगेगा। तो आइए देखते हैं। तो इतना सब करने पर आपका करीबन आधा दिन तो लग जाएगा। उसके बाद यहाँ से वापस लौटना यहाँ पर आने से भी आसान है। म्यूजियम के गेट के पास से ही आपको एसी बस मिल जाएगी जो कि संतरे के कलर की है, यानी कि ऑरेंज कलर की है। तो जब आप उस पर बैठेंगे तो उसके बाद वो बस बहुत ही मामूली किराए पर आपको संकट मोचन हनुमान तक ले आएगी। संकट मोचन हनुमान की दूरी लगभग वहाँ से 17 किलोमीटर है और इसका किराया मात्र वो 30 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से लेते हैं। थोड़ा सा चलना होगा, मुश्किल से 5 मिनट और आप संकट मोचन हनुमान पहुंच जाएंगे। संकट मोचन हनुमान के पास दो और मंदिर हैं, एक त्रिदेव मंदिर है और एक दुर्गा माता का मंदिर है, तो ये भी लगे हुए हैं, तो आप इनको भी देखिए। और इसी के पास आपको तुलसी मानस मंदिर भी मिलेगा, वहाँ पर भी जाइए। और इसी के साथ आपका दिन लगभग अब ख़त्म हो रहा है। के बाद आप अपने होटल आ जाइए, नाश्ता कीजिए और आराम कीजिए, क्योंकि पूरा दिन आप चले हैं और आपको थकान भी हो गई होगी। इसके बाद अगले दिन हम सब निकल पड़े बनारस कैंट बस अड्डे के लिए, क्योंकि वहां से ही हमको विंध्याचल जाने की बसें मिलेंगी। विंध्याचल जाने की बसें दो तरह की होती हैं, एक बस केवल आपको मिर्जापुर तक लेकर आती है और दूसरी बार आपको विंध्याचल तक पहुँचा देती है। जब आप बस अड्डे पर उतरेंगे तो वहाँ से आप ऑटो बुक कर लीजिए। विंध्याचल में तीन प्रमुख स्थान हैं, पहला विंध्याचल देवी का मंदिर, दूसरा है कालीखो मंदिर और तीसरा है अष्टभुजा देवी। तो आप ऑटो बुक कर लेंगे, वो आपसे लगभग 200 से 250 रुपए पूरे ऑटो का लेगा और आपको लगभग सभी स्थान घुमा देगा। इस पूरी यात्रा में आपको लगभग 3 से 4 घंटे का समय लगेगा, क्योंकि आपको अष्टभुजा देवी में थोड़ी सी चढ़ाई करनी पड़ेगी, तो उसमें समय लगता है। हाँ, यदि आप चढ़ाई करने में असमर्थ हैं तो कालीखो मंदिर और अष्टभुजा माता मंदिर दोनों में ही आपको रोपवे की सुविधा मिल जाएगी। इस पूरी यात्रा में आपको 4 से 5 घंटे लगेंगे। आप इन तीनों देवियों के दर्शन कीजिए। इस यात्रा को देवी त्रिकोण यात्रा बोलते हैं। यदि आप विंध्याचल जाते हैं और ये तीनों देवियों के दर्शन नहीं करते हैं तो विंध्याचल यात्रा आपकी अधूरी मानी जाती है। जिन लोगों ने रोपवे में आज तक नहीं बैठा है उनके लिए ये एक अलग अनुभव होगा। रोपवे का किराया भी बहुत मामूली है, तो आइए एक बार इसका भी आनंद लीजिए। माता अष्टभुजा मंदिर के लिए आपको थोड़ी सी चढ़ाई करनी पड़ेगी, लगभग 160 सीढ़ियाँ हैं। मंदिर बहुत ही अच्छे स्थान पर बना हुआ है, आसपास के दृश्य बहुत ही रमणीय और मन लुभावन है, तो यात्रा करिएगा और दर्शन जरूर कीजिएगा।
बनारस की यात्रा हो और महाशमशान मणिकर्णिका ना जाए, ऐसा हो नहीं सकता। ये एक ऐसा स्थान है जिसकी मान्यता है कि यहाँ पर मरने वालों को मोक्ष मिलता है और मोक्ष भगवान शिव स्वयं उस मरने वाले के कानों में तारक मंत्र का जाप करके देते हैं। इसलिए हर बनारस में रहने वाले की इच्छा होती कि उसका अंतिम संस्कार मणिकर्णिका घाट पर किया जाए। तो इस पूरी यात्रा में साथियों आपको 2 रातें और 3 दिन लगेंगे। आप आइए, समय निकाल कर आइए और बनारस को महसूस कीजिए। बहुत ही मनोरम, दिव्य और अच्छा स्थान है। तो साथियों मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। जय भोलेनाथ।